हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सप्तऋषि आश्रम के बारे में फुली डिटेल्स। इसकी हमने पहले भी वीडियो बनाई है, बट वो वीडियो हमने किसी ऐसे पर्पज़ के लिए नहीं बनाई थी, बस सिर्फ आपको बाहरी जो भी चित्रण था वो सारा का सारा हमने दिखाना था किस तरह से ये सप्तऋषि आश्रम यहाँ पर है, ठीक है। बट आज की वीडियो में हम आपको सप्तऋषि आश्रम के बारे में फुली डिटेल्स देंगे कि क्या क्या यहाँ सुविधाएं आपको मिल जाएंगी और क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं और फिर आपको आगे वीडियो में मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सप्तऋषि आश्रम के मेन परिसर में। तो जैसा कि आपको ये सारा का सारा दिख रहा होगा, ये सप्तऋषि आश्रम है। और सप्तऋषि आश्रम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। तो सप्तऋषि आश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 ऋषि थे जो कि तप करते थे। तो जब माँ गंगा धरती पर आई थी और हरिद्वार में प्रवेश किया था, तो यहाँ पर माँ गंगा ने इन 7 ऋषियों को तपस्या करते हुए देखा। तो माँ गंगा ने इनकी तपस्या को भंग ना करते हुए अपना जो रूट था, अपना जो रास्ता था, वो चेंज कर लिया था। और माँ गंगा अपना 7 रूपों में, 7 धाराओं में अपना जो है प्रवाह को बांट पाई थी। तो इसलिए इसे सप्तऋषि आश्रम भी कहा जाता है। और जस्ट इसकी बैक साइड में जो एरिया है वो पड़ेगा सप्त सरोवर। तो वहीं पर ही माँ गंगा ने अपने 7 रूपों में अलग अलग डाइवर्ट हो गई थी, ठीक है। इसलिए इसे सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है या माना जाता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले गणेश मंदिर इंटर में आपको मिलेगा, और इसके बाद ये पूरा का पूरा परिसर जो है वो 7 ऋषियों की जो तपोस्थली है वो है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर धुनी जलाई हुई है, और वो 7 ऋषि जिनका ये यज्ञशाला है, यहाँ पर वो यज्ञ किया करते थे, ठीक है। तो ये ही उनकी यज्ञ स्थली है, और 7 ऋषि आप चित्र के दौरान वहाँ पर सामने देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने की भी फुली व्यवस्था है। आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं जहाँ पर भी आप घूमना चाहो। और यहाँ पर आपके लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था है, और यहाँ पर सत्संग हॉल भी है जहाँ पर आपकी सत्संग के दौरान अपने आत्म शांति के लिए बैठ सकते हैं। और सामने आप देख रहे होंगे किचन स्टोर भोजनालय, यहाँ पर आपको भोजन कराया जाएगा इस आश्रम पर, और चाय पीने की सुविधा यहाँ पर पूरी उपलब्ध है, ठीक है। ये अन्नपूर्णा भंडार है जो कि यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर डेली 100 से 150 ऋषियों को डेली खाना परोसा जाता है, जो कि मॉर्निंग का होता है 7:30 से या 8:30 लगभग का टाइम होता है, जो कि 1-1.5 घंटे चलता है। उसके बाद वो भोजन बंद किया जाता है। जो आज की वीडियो में आपको परिसर दिखा रहा हूँ, ये मैं बैक साइड में हूँ, फ्रंट में इसके बाद मैं घूम के जाऊँगा और आपको आगे दिखाऊँगा। तो चलो, तब तक कुछ सिनेमैटिक्स लेते हैं यहाँ की और आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप दर्शन कर रहे हैं तिरुपति बालाजी महाराज के, जो कि यहाँ पर तिरुपति बालाजी के महाराज के नाम से यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है, और आप उनके भव्य दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप सभी श्रद्धालु भक्त। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सप्तऋषि आश्रम के मेन परिसर में, और अंदर यहाँ पर भोले शिव शंकर की मूर्ति है। और बाकी आपको अब सिनेमैटिक्स के जरिए मैं यहाँ पर आपको 7 ऋषियों के नाम और उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो आपको दर्शाता हूँ, और उम्मीद है आपको ये प्रतिमाएं पसंद आएंगी। और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सिनेमैटिक के साथ 7 ऋषियों के नाम।
तो दोस्तों सप्तऋषि आश्रम तथा सप्त सरोवर आश्रम, सप्तऋषि आश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सात ऋषियों का आश्रम हुआ करता था। सप्त सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा सात सरोवर के रूप में यहाँ से आगे की तरफ अपना रास्ता शुरू की थी। मतलब सात सरोवर, सात तरीके से माँ यहाँ पर, माँ गंगा जो थी यहाँ पर डाइवर्ट हुई और आगे जाके फिर एक साथ मिल गई। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मंदिर यहाँ पर जो कि यहाँ पर आश्रम है। ठीक है, अब यहाँ पर श्री राधा कृष्ण का आप मंदिर देख रहे हैं, तो चलो आज आपको राधा कृष्ण के भी दर्शन करवा देते हैं। तो ये है यहाँ पर श्री राधा कृष्ण मंदिर जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। सप्तऋषि आश्रम में आपको एक तो आपको नेचर की जो फील है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाली है, और साथ में जो गाइस यहाँ पर जो है साफ स्वच्छता का जो ध्यान है ना यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। और यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको आगे एक मंदिर और मिलेगा, और ये है माता रानी का मंदिर जो कि बहुत ही भव्य सुंदर और अच्छे तरीके से, मतलब यहाँ पर डेकोरेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो अगर आप भी बाहर से सप्तऋषि आश्रम घूमना चाहते हैं तो आप जरूर सप्तऋषि आश्रम आ सकते हैं। और सप्तऋषि आश्रम के आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैंने ऐसी वीडियो, पहली वीडियो बना रखी है, तो आप सप्तऋषि आश्रम के बारे में उस वीडियो के जरिए देख सकते हो सप्तऋषि आश्रम कैसे कैसा दिखता है। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं क्लोज। वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जै